मूवी की शुरुआत में एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग अपने काम में बिजी है। कुछ लोग अपने पेन से पेपर पे नोट्स लिख रहे हैं, वहीं कुछ लोग अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। जेम्स नाम का एक आदमी जिसने चश्मा पहना हुआ है, वो भी अपने लैपटॉप में लगा हुआ है। तभी वो अपने पास की वॉल पे कुछ देखता है। उसे वो चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है, इसलिए वो एक बार वॉल को देखता है, फिर एक बार अपने लैपटॉप को देखने लगता है। अजीब बात यह थी कि उसके माउस का कर्सर उसे उस वॉल पे हिलता हुआ दिख रहा था। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। जब वो लैपटॉप के टचपैड पे अपनी फिंगर्स को मूव करता है, वॉल का कर्सर भी मूव करने लगता है। ये सब देख के उसके दिमाग में कुछ खुराफात चलने लगती है और वो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो आसपास घूम के ये देखता है कि और किसी को ये नज़र आ रहा है कि नहीं। वो ये देखना चाहता है कि क्या वो इस माउस के कर्सर से असली दुनिया में कुछ चेंज कर सकता है कि नहीं। वो अपने लैपटॉप के टचपैड का यूज़ करके वॉल से कर्सर को नीचे ले आता है। वो फिर उसे अपने टेबल पर रखे पेपर कप की ओर पॉइंट करता है और अपने टचपैड का बटन दबा देता है। ऐसा करते ही वो कप एकदम से पलट जाता है और टेबल में चारों ओर चाय फैल जाती है। चाय गिरने की आवाज़ के कारण उसके कलीग उसकी ओर देखने लगते हैं। वो सबसे स्माइल करके कहने लगता है कि उसने कप गलती से गिरा दिया, लेकिन ये सब उसे एक जादू जैसा लगने लगता है। वो बड़ा खुश हो जाता है। वो फिर आसपास देख कर्सर से और किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वो अपने टेबल पे एक लेटर देखता है और कर्सर को उसकी ओर लेके जाता है। जैसे ही वो टेक्स्ट के ऊपर कर्सर को लेके आता है, वो एरो आई में बदल जाता है, जैसा कि एक कंप्यूटर में होता है। उस लेटर में ऑफिस लेट आने की वजह से पेनल्टी के बारे में लिखा हुआ था। जेम्स कर्सर को क्लिक करके वो सेंटेंस डिलीट कर देता है और लिख देता है कि उसकी इस मंथ की सैलरी बढ़ा दी गई है। ये करने के बाद वो लेटर अपने हाथ में लेके हंसने लगता है। वो भूल ही जाता है कि वो ऑफिस में है और अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन एकदम से उसकी नज़र आसपास बैठे लोगों पे पड़ती है तो वो एकदम से शर्मा जाता है। उसके इस एक्सपेरिमेंट के बाद जेम्स अपना मिस्टीरियस लैपटॉप लेके बाहर चले जाता है। जैसे ही वो हॉलवे में पहुंचता है, वो अगले रूम में एक सुंदर लड़की को काम करता देखता है। वो उसके सामने लगी एक सीट में बैठ जाता है जहाँ से वो उस लड़की को अच्छी तरह देख सके। वो फिर अपने लैपटॉप पे काम करने का नाटक करता है, पर वो छिप छिप के उस लड़की को देखता रहता है। वो धीरे से अपने लैपटॉप के कर्सर बाहर लेके आता है और उस लड़की की ओर लेके जाता है। तभी वो लड़की कुछ काम से सामने घूम जाती है। ये देखते ही उस आदमी के मन में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो फिर कर्सर को उसके ड्रेस के अंदर लेके माउस पैड दबाने लगता है। उसके ऐसा करते ही लड़की को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो आदमी दूर से सब कुछ देख रहा है। धीरे धीरे वो माउस के कर्सर को और तेजी से हिलाने लगता है। ऐसा करते ही वो लड़की अपने सीट पे नहीं बैठ पाती और जल्दी से वॉशरूम की ओर भागने लगती है। जेम्स ये सब देख के चुपके से मुस्कुराने लगता है। ऑफिस में ये कांड करने के बाद वो बाहर अपने दोस्त से मिलने जाता है जो दो औरतों से बातें कर रहा है। वो अपने दोस्त से उसके साथ आने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसे कोई इमरजेंसी है। वो दोनों छत पे चले जाते हैं और जेम्स अपने दोस्त को एक्सप्लेन करता है कि उसका लैपटॉप क्या क्या कर सकता है। अपने दोस्त को अपने लैपटॉप के फीचर्स दिखाने के चक्कर में नीचे जहाँ पे नॉर्दर्न क्रेडिट बैंक लिखा हुआ था, उसे जेम्स बदल के जोकर का बैंक लिख देता है। ये देख उसका दोस्त एक्साइटमेंट के कारण पागल होने लगता है, इसलिए वो जेम्स से कहता है कि सामने पार्क कार के साथ कुछ करके दिखाओ। जेम्स अपना कर्सर लेके कार को श्रिंक करता है और तब तक करता रहता है जब तक वो एक टॉय कार में नहीं बदल जाती। उसका फ्रेंड और ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है और कहता है कि उसे तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। वो आगे और कहता है कि वो लोग इस लैपटॉप का यूज़ करके ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। उसका दोस्त और बहुत से आइडियाज़ उसे बताने लगता है। तभी जेम्स एक बिल्डिंग के वॉल को कॉपी करके विंडो पे पेस्ट कर देता है। ये देख उसका दोस्त इस कंप्यूटर को एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस कहता है। अपने दोस्त के आइडियाज सुन के जेम्स को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। फिर उसका दोस्त एकदम से कह देता है कि वो लोग एक बैंक में जाके मैनेजर को ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो लोग कहेंगे कि उन्हें पूरे पैसे दे दो, नहीं तो वो लोग बिल्डिंग को एक क्लिक करके बर्बाद कर देंगे। वो ये भी कहता है कि पैसे मिलने के बाद भी वो लोग बिल्डिंग को बर्बाद कर सकते हैं ताकि मैनेजर किसी से कुछ कह ना पाए। ये सब सुनने के बाद जेम्स एक अजीब सा चेहरा बनाता है। यहाँ ये बात साफ है कि उसे उसका फ्रेंड का आइडिया ज़रा भी पसंद नहीं आया। नीचे ज़मीन पे कार ओनर वापस आके देखता है तो उसकी कार उसे नहीं मिलती। लेकिन जब वो ध्यान से नीचे देखता है, वो ये देख के शॉक हो जाता है कि उसकी कार जैसे दिखने वाली एक टॉय कार वहाँ पर रखी हुई है। उसका फ्रेंड अभी भी अपना मुँह बंद नहीं कर रहा। वो कहता है कि वो लोग इस कंप्यूटर का यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो आगे कहता है कि वो लोग किसी भी क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और पुलिस वाले को अपनी उंगली पे नचा सकते हैं। जेम्स अब अपने फ्रेंड की बातों से घबराने लगा है। वो सिलेक्ट आइकॉन पे क्लिक करता है और कर्सर को उसकी तरफ लेके जाता है। फिर वो उसकी बॉडी को फ्रेम के अंदर डाल देता है। फ्रेंड को अभी भी नहीं पता कि उसका दोस्त लैपटॉप पे क्या कर रहा है। वो अभी भी बोले जा रहा है कि अगर कोई उन्हें अटैक करेगा तो वो लोग उसे इरेज बटन दबा के प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। वो तो डिलीट बटन दबा के आर्मी को ख़त्म करने की बात भी कहने लगता है। जेम्स को उसकी बातें किसी आतंकवादी जैसे लगने लगती है।
जेम्स का दोस्त एकदम से उसकी तरफ देखता है, उसका हाथ फ्रेम से बाहर निकल जाता है और तभी जेम्स कंट्रोल प्लस एक्स दबा देता है जिससे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कट हो जाता है। उसके ऐसा करते ही उसके फ्रेंड की बॉडी एकदम से हवा में गायब हो जाती है, बस उसका हाथ बचा रह जाता है। जेम्स ये सब देख के बुरी तरह डर जाता है, डर के कारण उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। वो कटा हुआ हाथ नीचे जाके गिर जाता है और उसके आसपास खून ही खून फैल जाता है। कार के छत से टकराने के कारण कार का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। ये सुन के बहुत से लोग वहाँ के जमा होने लगते हैं और वो कटा हुआ हाथ देख के पैनिक करने लगते हैं। वो लोग ऊपर जेम्स को देख के समझ जाते हैं कि उसी ने ये किया है और उसे पुलिस में देने की बात करने लगते हैं। वो लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं और उसे बार बार नीचे आने के लिए कहने लगते हैं। नीचे खड़े लोगों की बातें सुन के जेम्स पैनिक करने लगता है। वो फिर अपना लैपटॉप उठा लेता है और एक ऐप स्टार्ट कर देता है। वो फिर नीचे देख के एकदम से उन लोगों को और उस कार के एरिया को सिलेक्ट कर लेता है। लोग अभी भी उस पर चिल्ला रहे हैं इसलिए वो जल्दी से कंट्रोल प्लस एक्स दबा देता है। एकदम से वो लोग, वो कार और उसके दोस्त का कटा हुआ हाथ भी वहाँ से गायब हो जाता है। जेम्स को अभी भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। वो उन लोगों को चारों ओर ढूंढने लगता है लेकिन वो लोग गायब हो चुके हैं। वो फिर अपना लैपटॉप फोल्ड करके वहाँ से निकलने की सोचता है। अपने आधे ऑफिस के लोगों को ख़त्म करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। उसे नहीं पता कि आगे उसे क्या करना चाहिए। वो चलते चलते आगे पीछे देखने लगता है। जल्दी उसके सामने से एक टैक्सी आने लगती है। जेम्स अपना हाथ दिखा के उसे रोक लेता है। वो फिर ड्राइवर से कहता है कि उसे अर्जेंट किसी काम से क्रेमलिन जाना है। ड्राइवर उसे वहाँ जाने से मना करता है। वो कहता है कि इस टाइम वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा और वो लोग फंस जाएंगे। जेम्स उससे कहता है कि वो उसे वहाँ जाने के लिए मुँह मांगे पैसे देगा, पर फिर भी वो ड्राइवर नहीं मानता और वहाँ से निकल जाता है। ड्राइवर जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, जेम्स अपना लैपटॉप ओपन करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो ड्राइवर बहुत दूर निकल गया है। मूवी के आखिरी सीन में जेम्स आगे चलते चलते एक बड़ी बिल्डिंग के पास जाके रुक जाता है। वो आसपास देखता है तो उसे एक बड़ा सा माउस कर्सर बिल्डिंग के ऊपर हिलता हुआ नजर आता है। वो फिर डर के मारे चारों ओर देखने लगता है, लेकिन वो एरो एकदम से कहीं गायब हो गया है। लेकिन फिर जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे वो बड़ा सा एरो रोड पर दिखता है। जेम्स एरो की डायरेक्शन उसकी ओर देख के बहुत घबरा जाता है। वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है, लेकिन वो एरो भी उसका पीछा करने लगता है और उसे पूरी तरह कवर कर देता है। जैसे ही वो ऊपर आसमान की ओर देखता है, वो कर्सर क्लिक करता है और जेम्स को पूरी तरह मसल देता है। इसका मतलब है कि किसी और के पास भी जेम्स जैसा एक कंप्यूटर था और वो बहुत देर से उस पर नज़र रखे हुए था। उसे ख़त्म करने के बाद वो कर्सर फिर से हिलने लगता है और फ्रेम के बाहर चले जाता है।